सोगा जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दो एलईडी बल्ब है जो कि 998 के एन गाइस एक हफ्ते पहले ख़राब हो चुके थे। बट गाइस मैंने उसी वक्त इसको रिपेयर कर चुका था, लेकिन गाइस अभी एक हफ्ते बाद गाइस आज के दिन गाइस दोनों एलईडी बल्ब खराब हो चुके। तो चले गए सबसे पहले को दिखाता हूँ मैंने एक हफ्ते पहले इसमें क्या चीज़ रिपेयर किया था, और अभी आपको पूरा परमानेंट सोल्यूशन देने वाला हूँ कि आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो अभी लाइफ टाइम के लिए। तो चले गए बिना को टाइम इसके आज वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले गाइस मैं एक एलईडी को साइड में रख देता हूँ और एक एलईडी सबसे पहले ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या चीज़ खराब हुई थी। तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेता हूँ इस तरीके से, एंड गाइस जैसे कि देख पा रहा हूँ यहाँ पर आपको इस तरह का देखने को मिल जाता हूँ जो कि मैंने एक्सटर्नल यहाँ पर लगाया था अलग से। वो क्या काम करता है आपको बता देता हूँ गाइस। सबसे पहले आपको इसे बेसिक बता देता हूँ इसका मैं गाइस। इसके अंदर आपको पीसीबी देखने को मिलता है गाइस जो कभी भी खराब नहीं होती। जी हाँ गाइस, अगर गाइस आपके पास कितने भी एलईडी बल्ब क्यों ना हो गाइस, अगर 95% गाइस इसका जो अंदर का सर्किट रहता है वो कभी भी खराब नहीं होता गाइस। हमेशा इसका जो ऊपर की एलईडी वही खराब होती है। सबसे पहले आपको बता देता हूँ मैं, यानी गाइस अगर आपका एलईडी खराब हो चुकी है यानी गाइस उसका सामने का जो एलईडी रहती है बल्ब वही खराब होते हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हो गाइस। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ गाइस, मैं आप अपना होल्डर लेके आता हूँ आपको दिखाता हूँ लाइव करके। सो सबसे पहले गाइस मैं आप अपने होल्डर को लेके आ जाता हूँ इस तरीके से, एंड सबसे पहले गाइस मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ इस तरीके से, एंड मैं गाइस इसका प्लग यहाँ पर लगा देता हूँ अपने बोर्ड पे। सो गाइस मेरा चालू हो चुका है यहाँ पर, बट गाइस यहाँ पर अभी एलईडी चालू नहीं हुई है। सो गाइस आपको बताया था मैंने लास्ट टाइम इसमें क्या किया था गाइस। सबसे पहले गाइस इसमें जितनी भी आपको एलईडी नजर आ रही होंगी गाइस सीरीज में रहती है, यानी गाइस अगर बीच की एक भी एलईडी अगर ब्रेक हो जाती है खराब हो जाती है तो गाइस कोई भी एलईडी ऑन नहीं होती। सो गाइस उस समय मैंने क्या किया था, सब एलईडी को गाइस मैंने शॉर्ट किया था। वो कैसे करना गाइस, आपको कैसे ऐसे वायर ले सकते हो बस बिना टच करने, यानी आपको हैंड टच नहीं करना है इस पर, क्योंकि इसमें एसी करंट भी आपको आता है। तो आप क्या कर सकते हो ऐसे वाले एलईडी वायर लेके गाइस यहाँ पर आपको टच करके देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पर ये चालू होता है, आप सबको शॉर्ट करके देख सकते हो। बट गाइस जैसे मैंने इस पर शॉर्ट किया था गाइस तो ये मेरी पूरी एलईडी चालू हो चुकी थी। तो गाइस मैंने क्या किया, शॉर्ट करके रखा, बस वो काम नहीं दिया, कुछ घंटे बाद वापस खराब हो गया। तो मैंने क्या किया गया यहाँ पर एक दूसरे जो मेरे ऐसे वाले और भी जो एल ई डी बल्ब रहते हैं उसका मैंने एलईडी काट के गाइस मैंने इसमें लगाया था, जैसे कि आप देख पाओगे इस तरीके से यहाँ पर। बट ये भी गाइस कुछ समय तक चला एंड उसके बाद ये भी खराब हो चुका है यहाँ पर। तो आपको दिखा देता हूँ गाइस वापस में इसको टच करके, जैसे मैं इसमें टच करता हूँ इस तरीके से गाइस देखा चाहे चालू हो चुका है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो अगर मैं गाइस इसको शॉर्ट कर दूंगा तो गाइस मेरी एलईडी वापस चालू हो जाएंगी। बट गाइस ये भी गाइस मुश्किल से एक हफ्ते चलेंगे या तो गाइस एक दो हफ्ते में ये भी खत्म हो ही जाएंगे गाइस। तो गाइस मैं आपको परमानेंट सोल्यूशन बताने वाला हूँ कि आप उसको कैसे लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो सो गाइस सबसे पहले हम उसको यहाँ से निकाल देते हैं, एंड सबसे पहले यहाँ से प्लग निकाल के इसको यहाँ पर अलग कर देते हैं, एंड इसको हम कर देते हैं यहाँ से शॉर्ट बिकॉज इसमें गाइस एसी करंट रहता है। उसके बाद गाइस ऐसे हो चुका है गाइस, सबसे पहले गाइस हम इसको यहाँ से ओपन करेंगे। तो यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं इसको, वायर को ऐसे निकाल लेते इस तरीके से। और जो प्लेट हमें कोई काम की नहीं आ रही प्लेट हम उसको अलग कर देंगे, एंड सबसे पहले हम इस एल्यूमिनियम की प्लेट को यहाँ से बाहर निकालेंगे इस तरीके से। अगर निकल चुकी जैसे कि आप देख पा रहे होंगे थोड़ी मेहनत लगी इसको निकालने में, बट सर क्योंकि एलईडी में आपको इजीली यहाँ से ओपन हो जाता है। तो जैसे कि देखोगे इस तरह का आपको अंदर पीसीबी देखने को मिल जाता है जो कि कभी भी ख़राब नहीं होता। तो गाइस हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले गाइस हम यहाँ पर जो आपको यहाँ पर कतरी नज़र आ रहा होगा उसका सबसे पहले यहाँ से निकाल देते हैं, और इसको हम सबसे पहले बाहर निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं इस तरीके से, गाइस का ये वायर निकल चुका है यहाँ पर, एंड इसको भी यहाँ से हम निकाल लेते। उसके बाद गाइस हम यहाँ से इसको खींचेंगे, जैसे हम खींचेंगे यहाँ के वायर ऑटोमेटिक निकल जाएंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम जाएंगी गाइस बट आप इजीली इसको निकाल सकते हो। तो गाइस निकल चुका है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एंड गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे जो हमारा पीसीबी यहाँ पर जो प्रिंटर सर्किट बोर्ड है पूरी तरह से हीट हो चुका है यहाँ पर, जिसके यहाँ पर कलर इसका अलग टाइप का यहाँ पर आ चुका है। यानी गाइस हमारा ट्रांसफॉर्म बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है यहाँ पर। तो गाइस ये भी कारण हो सकता है कि हमारा एलईडी बल्ब खराब हो रहा हो, बट गाइस ये हमारा पीसीबी कोई भी काम का नहीं है तो हम इसको साइड में रख देते हैं। एंड गाइस हमको अब एलईडी के बदले क्या लगाना है आपको बता देता हूँ मैं। तो आपको इस तरह की एक एलईडी बल्ब आपको मिल जाएंगी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे गाइस ये पूरा जोड़ा ही आता है। बट गाइस आपको एक एलईडी गाइस मुश्किल से 5 से 10 रुपये के लगभग की मिल जाएंगी इस टाइप की। एंड गाइस इसमें हमको क्या क्या देखने को मिलता है गाइस, हमको यहाँ पर पर्टिकुलर आईसी रेजिस्टेंस और यहाँ पर डायोड देखने को मिल जाता है।
तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे और कितने वाट का आपको बता देता हूँ मैं। सुबह से 9 वाट का, जैसे कि आप देख पा रहे हो 9 वाट यहाँ पर लिखा हुआ है। बट अगर आपको एलईडी बल्ब 20 वाट का होगा या 40 वाट का होगा या 15 वाट का होगा, तो उस वाट के भी एलईडी इस टाइप की आती है, तो आप उसको भी इसमें लगा सकते हैं लेके। तो कैसे मेरा 9 वाट का था, तो कैसे मैंने 9 वाट की एलईडी लेके आया हूँ, जैसे कि देख पा रहे होंगे। तो कैसे चलिए इसको करते, फिर उसको कैसे फिट करना है आपको बता देता हूँ मैं। सो गाइस, हमको इस एलईडी को यूज़ करने के लिए गाइस सबसे पहले हम इन दोनों को साइड में रख देंगे। एंड गाइस सबसे पहले हम इसकी जो बॉडी का, जैसे कि देख पाओगे अली बॉडी का, सबसे पहले हमको उसमें वायर जोड़ना पड़ेगा। कैसे वायर जोड़ना आपको बता देता हूँ गाइस। सबसे पहले गाइस हमको यहाँ पर दोनों होल को यहाँ पर ओपन करना पड़ेगा। सो गाइस हमारे दोनों होल ओपन हो चुके हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस तरह के, अगर आपको नजर आ रहा है तो। सो गाइस इसके बाद गाइस हमको यहाँ पर 2 वायर लेना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर 2 वायर ले लेता हूँ इस तरीके से। सबसे पहले गाइस ये दोनों का हमको इसमें लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर एक को छील लेते हैं इस तरीके से, एंड दूसरे को यहाँ पर वायर को छील लेते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पर छील चुका हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसको यहाँ पर इस तरह से कर लेता हूँ। उसके बाद हमको इसके अंदर से इसको डालना पड़ेगा इस वायर को। तो मैं यहाँ पर इस वायर को यहाँ से डाल लेता हूँ इस तरीके से, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। सो जैसे देख पा रहे अला वायर यहाँ पर निकल चुका है, तो इसको मैं यहाँ पर इस तरह से मोड़ लूँगा एंड यहाँ पर थोड़ा सा कतील लगा लूँगा इस तरीके से, ताकि वापस वायर पीछे ना निकले। उसके बाद हम दूसरे वायर को भी सेम टू सेम ऐसे ही करने वाले हैं। हाँ, इसको मैंने यहाँ से निकाल चुका हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। इसको भी यहाँ से मैं थोड़ा सा सोल्डर कर देता हूँ, ताकि आला वायर पीछे ना निकले इस तरीके से। एंड गाइस हमारा दोनों वायर यहाँ पर निकल चुके हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पर दोनों को बराबर से काट लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमको यहाँ पर एल्यूमिनियम का प्लेट लगाना पड़ेगा, जो कि इससे निकली थी इस टाइप की, जो कि गाइस बहुत ज़्यादा काम की है। गाइस वो क्यों काम किया आपको पहले बता देता हूँ। गाइस गाइस मैंने आपको बताया था, मैंने इस एलईडी में गाइस मैंने अलग से यहाँ पर एलईडी निकाल के लगाया था, जो कि वायर से था। गाइस उसमें कोई भी हीट सिंक नहीं था, यानी कि जब भी कोई एलईडी अलग से तुम लगाते हो, अगर उसमें हीट सिंक नहीं रहता तो गाइस वो एलईडी जल जाती है। तो गाइस इसमें आपको हीट सिंक देखने को मिल जाता है, जो कि एल्यूमिनियम का है। एंड गाइस ये भी पूरा एल्यूमिनियम का ही बनता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से। वैसे पूरा एल्यूमिनियम जो कि हीट एब्जॉर्ब करता है, तो ये हीट सिंक का भी काम करता है। तो मैं सबसे पहले इससे यहाँ से दोनों वायर को निकाल लेता हूँ इस तरीके से, एंड यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ। तो गाइस यानी कि हमने डायरेक्ट वायर का यहाँ से हमने निकाल के बाहर से यहाँ से निकाल चुके, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को पहले वायर को छील लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से इस तरह की एक प्लेट लेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। हम यहाँ से 20 से इसको निकाल लेंगे, एंड निकालने के बाद हमको इसको सोल्डर करना है। तो आपको सिर्फ बताया था गाइस, आप इसको डायरेक्ट चला सकते हैं बिजली से। जी हाँ गाइस, वो कैसे, जब भी कहते आप इस तरह की प्लेट लोगे गाइस कोई भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से, तो इसमें एक आईसी तो आपको नजर आएंगी इस तरीके से, बट आपको इस तरह का एक डायोड नजर आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा काम का है। वो क्यों काम करते, ये डायोड का आपको जो एसी टू डीसी करता है, यानी कि जैसे कि यहाँ से हम एसी भी देंगे, तो कैसे यहाँ से प्लस माइनस डीसी इस आईसी को देंगे, और आईसी पूरे वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पूरे एलईडी में। तो कैसे आप जब भी एलईडी इस तरह की लोगे अलग से 5-10 रुपये की, तो उसमें एक आईसी और एक डायोड लगा होना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बस हमारा इतना कंप्लीट हो चुका है, तो चलेगा सबसे पहले मैं आपको होल्डर लेके आ जाता हूँ, ताकि मैं उसको टेस्ट कर सकूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना होल्डर को लेके आ जाता हूँ इस तरीके से, एंड गाइस सबसे पहले यहाँ पर इसको यहाँ पर अटैच कर देता हूँ। एंड अटैच करने के बाद गाइस अभी मैं प्लग बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगा, बिकॉज मेरे यहाँ पर सोल्डर करना है अभी। तो आपको सबसे पहले बता देता हूँ आपको कहाँ कहाँ सोल्डर करना पड़ेगा इसके वायर को। सो गाइस जैसे कि देख पा रहे हो गाइस, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो गाइस यहाँ पर आपको एक एन लिखाऊंगा और एक एल लिखाऊंगा, यानी कि न्यूट्रल का और एक फेस का है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। यहाँ पर कतिल आपको नजर आ भी जाएगा इस तरीके से। सो गाइस आपको ये बता देता हूँ, इसमें भले से न्यूट्रल और फेस यहाँ पर लिखा हुआ है, बट गाइस आप कोई भी वायर कहीं पर भी जोड़ सकते हो। जी हाँ गाइस, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है इसमें कि आपको कहाँ पर फेस जोड़ना है, कहाँ पर न्यूट्रल जोड़ना है। गाइस आप कहीं भी इसको जोड़ सकते हैं गाइस, उल्टा सीधा कैसे भी, बिकॉज जब भी गाइस वोल्टेज एसी वोल्टेज यहाँ पर जाता है डायोड में, गाइस डायोड अपने अकॉर्डिंग गाइस प्लस माइनस डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो गाइस आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो गाइस मैं कोई भी वायर को यहाँ पर जोड़ देता हूँ। सो गाइस मैं यहाँ पर नीले वाले को एल यानी फेस में जोड़ देता हूँ, एंड जो मेरा ग्रीन वाला वायर था उसको मैं न्यूट्रल में जोड़ लेता हूँ। सो गाइस तो मैं इस तरह से यहाँ पर जोड़ चुका हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। एंड गाइस बाकी वायर को गाइस मैं इसके अंदर और फिर डाल देता हूँ, जैसे कि देख पा रहे होंगे। सो गाइस हमारा सोल्डर कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। बट सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चालू करने से पहले गाइस सबसे पहले मैंने पीछे बताया था, जो मैंने यहाँ पर वायर निकाला था, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से। सबसे पहले गाइस नाले वायर को यहाँ से कट कर देंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले दोनों को यहाँ से कट कर देते हैं इस तरीके से।
तो गाइस मैंने सब छोटे छोटे कट कर चुका हूँ जैसे कि आप देख पा रहे हो। एंड गाइस यहाँ पर सबसे पहले कतिल को हमको थोड़ा मोटा करना पड़ेगा बिकॉज जो हमारा होल्डर रहता है इसका जो यहाँ पर स्प्रिंग रहता है जैसे कि आप देख पा रहे हो इस तरीके से यहाँ पर स्प्रिंग रहता है दोनों साइड में। ये गाइस यहाँ पर जो मोटा कतिल रहता है उसको यहाँ पर अच्छे से प्रेस करने के लिए काम आता है। तो सबसे पहले इसको मोटा कर लेंगे, तो हम यहाँ पर इसको उल्टा रखते हैं एंड यहाँ पर हम सबसे पहले इसको मोटा कर लेते हैं। सो गाइस जैसे कि आप देख पाऊंगा इस तरह से मैं दोनों कतलों का यहाँ पर थोड़ा मोटा कर चुका हूँ जैसे कि आप देख पा रहे हो थोड़ा बाहर निकल चुका है यहाँ पर इसी तरीके से जैसे कि आप देख पा रहे हो इस तरीके से मैं दोनों का यहाँ पर मोटा करता हूँ ताकि इजीली यहाँ पर इसके स्प्रिंग में गाइस इजीली यानी टच हो सके और यहाँ पर कोई भी दबाव ना पड़ सके और लूज बिल्कुल भी ना आ रहा ताकि अगर हिलने में अगर बन चालू होता है तो गाइस आप उसको और भी मोटा कर सकते हो। तो गाइस हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए सबसे पहले उसको टेस्ट कर लेते हैं। तो गाइस मैं लगाता हूँ प्लग यहाँ पर अपने बिजली के बोर्ड पर एंड उसको करता हूँ ऑन। जैसे गाइस मैं ऑन करूँगा गाइस जैसे कि आप देख पाऊंगा चालू हो चुका है यहाँ पर जैसे कि आपको दिखाई देता हूँ फिर से जैसे कि आप देख पा रहे हो इस तरीके से। सो गाइस यहाँ पर चालू हो चुका है यहाँ पर और गाइस इसका उजाला सेम टू सेम 9 वाट के इक्वल है यानी गाइस जितने वाट के आप उसमें एलईडी लगाऊंगे उतनी वाट आपको यहाँ पर नजर आएंगे। यानी गाइस 9 वाट की थी तो मैंने 9 वाट की यहाँ पर लगाया बड़ा अगर आपका 15 वाट की है 20 वाट की भी तो आप 15-20 वाट की वैसे एलईडी आपको मिल जाएंगी 10 से 15 रुपये की लगभग ही मिलेंगे गाइस वो आप उसको यहाँ पर लगा सकते हो और उससे ज़्यादा उजाला आप यहाँ पर ले सकते हो। तो चलिए सबसे पहले इसका मैं ऊपर का कवर लगा देता हूँ, तो मैं इसका यहाँ पर कवर लगा देता हूँ अच्छी टाइट इस तरीके से। अगर मैं इसको लगा चुका हूँ यहाँ पर एंड जैसे कि देख पा रहे मेरा कंप्लीट हो चुका है ये एलईडी बल्ब इनका से कभी भी खराब नहीं होगा। अगर खराब होगा तो अगर मुझके से 6-7 महीने के बाद ही खराब होगा बिकॉज मैंने ऑलरेडी एक में ऐसा लगा चुका हूँ इनका अभी तक मुझसे 3 से 4 महीने हो चुका है अभी तक बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है। तो चलो इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं कि इसका उजाला कितना है। करता हूँ ऑन करने के बाद गाइस देख पा रहा हूँ इस तरीके से चालू हो चुका है। चलो गाइस इसका उजाला देखते हैं कितना उजाला ये देता है हमारे एक रूम पे। सो गाइस सबसे पहले आपको गाइस सामने 2 LED नजर आ रही होंगी इस तरीके से एंड गाइस सबसे पहले आपको चीज बता देता हूँ गाइस जो मेरे राइट वाले का जो एलईडी का जो 15 वाट की है जिसको मैंने कुछ भी नहीं किया गाइस पूरी की नई वाली एलईडी यहाँ पर लगाया हूँ मैंने। बट गाइस जो मेरी लेफ्ट वाले का जो एलईडी जो कि 9 वाट की जिसको मैंने अभी रिपेयर कर रहा हूँ जो कि मैंने आपको बताया अभी रिपेयर करके। सो गाइस जैसे कि आप दोनों का ब्राइटनेस देख पा रहा हूँ दोनों का सेम टू सेम है गाइस 15 वाट का थोड़ा ज़्यादा है बिकॉज 15 वाट का है बट 9 वाट का थोड़ा सा कम है बट गाइस एकदम नए जैसे ही इसका उजाला है यानी आपको कोई भी डिफरेंट नजर नहीं आएगा। तो चलेगा सबसे पहले गाइस 15 वाट की एलईडी यहाँ पर बंद करता हूँ देखता हूँ कि 9 वाट से कितना उजाला है। सो गाइस जैसे कि देख पा रहा हूँ गाइस मेरे रूम भर का गाइस पूरा उजाला यहाँ पर दे रही गाइस वो भी 9 वाट के लिए जिसको मैंने अभी रिपेयर करा था मात्र 5 से 10 रुपये के अंदर। तो गाइस आप इसको ऐसे रिपेयर करके इसको यूज़ कर सकते हो एंड गाइस जैसे कि 15 वाट का ज़्यादा उजाला था बिकॉज 15 वाट का है तो गाइस आप 15 वाट की भी यहाँ पर स्ट्रिप डाल सकते हैं इसके अंदर यानी गाइस आप 9 वाट की बॉडी में 15 वाट 20 वाट का जितने ज़्यादा वाट का आपको स्ट्रिप नज़र आती होंगी या एलईडी मिलती होंगी आपको जो भी अवेलेबल होंगी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में और उतने ज़्यादा वाट की एलईडी स्ट्रिप यहाँ पर डाल सकते हो और गाइस आप ज़्यादा से ज़्यादा उजाला ले सकते हो। तो बस गाइस आज के वीडियो में इतने बताना था। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, डू सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मैं इंटरेस्ट में ज्यादा आता रहूँगा। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो पे।